तो दोस्तों आज का तुम्हारा भाई लेकर के एक बार फिर से न्यू कमाल का नवरात्रि स्पेशल वीडियो एडिटिंग का ट्रेलर लेकर के जो कि दोस्तों बहुत शानदार और बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में न्यू इफेक्ट के साथ का इस न्यू एडिटिंग आपको बताऊं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इस नवरात्रि स्पेशल वीडियो होने वाली, जिसमें इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों का दर्शन कराने वाला। उसे इस माँ दुर्गा के तो 9 रूपों के अलावा बहुत सारे अनेकों रूप हैं। तो दोस्तों मैं जिसमें इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है, तो आज के वीडियो में उसी को दर्शाने की कोशिश किया हूँ। मुझे उम्मीद है गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के कमेंट से हम न्यू टॉपिक को बनाने की हिम्मत लाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूंगा इसमें जो भी फोटो वगैरह यूज़ होगा सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो वैसे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज के वीडियो में कोई भी लाइक गेम नहीं रखता हूँ, आप अपने अनुसार जितना भी लाइक करना चाहे रख कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रीव्यू को स्टार्ट करते हैं। प्रीव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं और आपके लिए मेहनत करते हैं। जब आप ही नहीं देखेंगे तो मुझसे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है नोटिफिकेशन ऑल प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रीव्यू को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों जो आपने स्टेटस देखा है, इस टाइप का स्टेटस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन जो पढ़ने वाले दोस्तों जिसका नाम है अलाइट मोशन, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपको इसका मोड वेंच है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीने वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। एंड दोस्तों इसमें जो भी फोटो वगैरह यूज़ होगा सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको सॉन्ग बीट मार्क एंड सेक फिर नाम का 2 प्रोजेक्ट मिलेगा, तो उसे आपको इम्पोर्ट करना है अपने अलाइट मोशन पर। उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इम्पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको दिखेगा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो उसके बगल में आपको दिखेगा प्लस के बगल में आपको प्रोजेक्ट दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नवरात्रि सॉन्ग बीट मार्क दिखेगा, उसके बाद आपको न्यू इफेक्ट नवरात्रि स्पेशल दिखेगा। सबसे पहले आपको जो दिख रहा है नवरात्रि बीट मार्क, इस पर आपको ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सब डिज़ाइन करके रखा हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको फोटो वगैरह ऐड करके कैसे कैसे ऐड करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लिखा है माँ शैलपुत्री माँ ब्रह्म चारणी, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आप जो भी लिखा है जैसे पहला वाला जो लिखा हुआ है माँ शैलपुत्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, और गूगल पर आने के बाद माँ शैलपुत्री लिख करके आपको सर्च करना, तो आपको फोटो आ जाएगा जैसे आपको लिखा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं ये तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर लिख करके ही सब दे दूँगा, ठीक है। इतना गाइस आपको कर लेने के बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन पाना, और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा एक नंबर, ठीक है। गाइस आपको सबसे पहले गाइस मैं बताता हूँ जहाँ जहाँ बीट दिख रहा है बीट के हिसाब से आपको फोटो को ऐड करना। गाइस फोटो ऐड करना बहुत ज़्यादा आसान है, और सबसे पहले आपको प्लस पर क्लिक करना और मीडियम पर जाना, और यहाँ से आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करना, आप गैलरी का सारा फोटो ओपन हो जाएगा। जहाँ फोटो रखने वहाँ पर क्लिक करके आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस मैं आपको बता दूँ इसमें जो भी फोटो यूज़ हुआ है ना माता रानी जी का, तो आपको वो भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसे कि ये सब फोटो है ना माँ दुर्गा जी का और माँ दुर्गा जी के 9 रूपों का, तो मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस फोटो पर क्लिक करूंगा मैं, और इफेक्ट पे यहाँ पर थ्रेड पे क्लिक करके फिर पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। एरो पे क्लिक करके बच्चे भाग को कट कर देंगे। एंड दोस्तों जो आप देख रहे थे जो कि छोटा वाला जो दिख रहा था आपको फोटो वो कैसे ऐड होगा तो मैं आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो में कंटिन्यू जरूर बनेगा दोस्तों। उसके बाद इफेक्ट कैसे कैसे लगाना है वीडियो को लाइक कर देना, मैं आपको बताऊँगा बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बीट के हिसाब से हमने सभी जगह फोटो को ऐड कर दिया। इसके बाद इस पर इफेक्ट कैसे कैसे लगाना है आपको हम बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से, तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि लिखा हुआ है गाइस यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा जो लिखा है एक नंबर, ठीक है। सबसे पहले आपको बैक कर लेना, और यहाँ पर आपको आ जाना है अपने न्यू इफेक्ट में, ठीक है। इसमें आने के बाद आपको दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आपका 7 इफेक्ट यूज़ होने वाला है आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको इस फोटो पर क्लिक करना है, और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, ठीक है। इधर करने के बाद सबको बैक करना है, और यहाँ पर आपको आज अपने नवरात्रि सॉन्ग बीट मार्क में से यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रॉल करके एरो पे क्लिक करके आपको नीचे आना है, और जब आप गाइस स्क्रॉल करके आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक नंबर, ठीक है। इसके ऊपर जो आपको फोटो दिखेगा मैम इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा वही इफेक्ट लगेगा जो हमने अभी कॉपी किया है। तो मैं इस फोटो पर क्लिक करता हूँ, और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बस इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जहाँ तक आपका एक नंबर मार्क से हमको हमारा यहाँ तक मार्क, ठीक है।
इतना आपको कर देने के बाद यहाँ पर जो आप फोटो ऐड किए रहेंगे तो वो फुल स्क्रीन रहेगा, ठीक है। तो वैसे आपका जो फोटो रहेगा वो फुल स्क्रीन रहेगा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर तीसरे पर क्लिक करके इसको आप छोटा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ आपको जहाँ तक आपका ये फ़ोटो है ये सब आपको यहाँ पर, अगर आपको ये सब फ़ोटो चाहिए जैसे जैसे मैंने यहाँ पर सर्च लगाया है तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दो नंबर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस पैक कर लेना और अपने न्यू स्टाइल सेगमेंट में आना और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दो नंबर, ठीक है। जो दो नंबर वाला दिख रहा है इफेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पे क्लियर कॉपी इफेक्ट कर लेना, ठीक है। गाइस इतना करने के बाद आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको नवरात्रि सॉन्ग बेट मार्क में आ जाना है। दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाने के बाद आपको एरो पे क्लिक करके आपको नीचे आपको फटाफट से आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद कैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दो नंबर, इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट यूज़ होगा। तो मैं इस फोटो पर क्लिक करूँगा और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक कर पेस्ट कर दूँगा। दोस्तों अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना और इफेक्ट पर जाना और यहाँ से कैसे आपको जो दिखा तीसरा वाला इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से गाइस आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको आपको नीचे आना है और गाइस जहाँ तक आपका दो नंबर मार्क होगा वहाँ तक आपको इस पर जो ये वाला इफेक्ट है सभी पर लगा देना है, ठीक है। फिर क्या सब आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दे जाएगा पाँच दो पर तीन नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको बैक करना और अपने साइक फेड बना, यहाँ पर गाइस आपको 1 2 3 तो दिखाए तीसरा वाला इफेक्ट आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है, फोटो पर और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। इसका करने बाद आपको बैक करना है और आपको फिर सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना। दोस्तों सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद आपको एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। एरो पे क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा गाइस यहाँ पर तीन नंबर स्टार्ट होगा ना, जहाँ पर हमारा तीन नंबर स्टार्ट होता है यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सभी पर हमारा यही फेड लगेगा, तो मैं इस फोटो पर क्लिक करूँगा फेड पर क्लिक करके इससे पेस्ट कर दूँगा। तो वैसे हमारा फेड आपको बता तो कहाँ तक लगेगा, तो मैं गाइस जहाँ तक आपका तीन नंबर में जहाँ तक मार्क किया रहूँगा वहाँ तक सभी फोटो लगेगा, ठीक है। तो गाइस जो तुम्हारा तीन नंबर जो मार्क है मैं आपको बताऊँ कहाँ तक हमारा मार्क है, तो हमारा गाइस तीन नंबर मार्क है यहाँ तक, ठीक है, 8-21 तक। तो इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही फेड लगेगा, तो मैं इस फोटो पर क्लिक करूँगा फेड पर क्लिक करके इससे पेस्ट कर दूँगा, ये हमारा गाइस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको एरो पर क्लिक करना और नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस चार नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको बैक करना है और अपने न्यू साइक फेड में, और यहाँ पर आपको गाइस देखने को मिल जाएगा चार नंबर इफेक्ट जो कि हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे लगाना है, इस दोनों को आपको इससे सेलेक्ट करना है और लेयर पर क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर लेना, ठीक है। फिर आपको बैक करना है और अपने सॉन्ग बीट मार्क पर आना, ठीक है। गाइस फिर आपको अपने सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है और जहाँ पर आपको चार नंबर इफेक्ट दिख रहा है वहीं पर आपको लाजर के पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइस आपको स्क्रॉल करके आपको आगे आना है, जब आप आगे आएंगे तो नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा चार नंबर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो दिख रहा है आपको एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है और आपको इस पर क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देना है। दोस्तों तो आप देख सकते हैं जो कि हमारा ये इफेक्ट बन के तैयार हो चुका है जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है, ठीक है। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको गाइस नीचे देखने को मिल जाएगा पाँच नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको गाइस पैक करना और यहाँ पर आपको अपने न्यू इफेक्ट बनाना है और यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपको जो दिख रहा है ना आपको, सॉरी 5 वाला जो दिख रहा है 5 वाला पे आपको क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, ठीक है। इतना करने बाद आपको बैक कर लेना है और आपको बैक करने बाद अपने नौ जो दिख रहा है सॉन्ग बीट मार्क इसमें आपको आ जाना है। गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गाइस आगे आना है और आगे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे जब पाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पाँच नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही फोटो यूज होगा जो हमने भी कॉपी किया था। इस फोटो पर मैं क्लिक करूँगा, इफेक्ट पर क्लिक करके इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जहाँ तक हमारा पाँच नंबर मार्क है, जैसे मान लीजिए हमारा पाँच नंबर यहाँ तक मार्क है, ठीक है। गाइस हमारा जो है 23-10 तक हमारा पाँच नंबर मार्क है, तो इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा जो हमने भी कॉपी किया, ठीक है। इस फोटो पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके इसे पेस्ट कर देंगे। फिर आपको गाइस नीचे आना और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा छः नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको गाइस पैक कर लेना है और यहाँ पर आपको न्यू इफेक्ट में ना, यहाँ पर आपको आने के बाद आपको दिख जाएगा सबसे पहले गाइस आपको छः नंबर देखना है 1 2 3 4 5 6 जो हमारा छठवां वाला इफेक्ट हमारा ये जो कि है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। तो करने के बाद गाइस आपको बैक कर लेना और आपको न्यू सॉन्ग बीट मार्क में आ जाएगा। इस यहाँ पर आने के बाद आपको जहाँ पर आपका छः नंबर मार्क है वहाँ पर आपको चले जाना है, ठीक है। वैसे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद क्या गाइस मैं आपको बता दूं जहाँ पर हमारा छः नंबर मार्क है ना आपको वहीं पर जाना है। गाइस हमारे जैसे यहाँ पर छः नंबर मार्क है तो यहाँ पर गाइस हमारा सिर्फ ये वाला इफेक्ट सिर्फ हमारे एक ही फोटो पर लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मैं इस फोटो पर क्लिक करता हूँ, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक कर पेस्ट कर दूँगा। जब एरो पर क्लिक करना और जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि हमारा एक नंबर है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने एक नंबर आपको बताया था वही आपको लगा कि यहाँ पर पेस्ट कर देना है सभी फोटो पर, ठीक है। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सात नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको बैक कर लेना है
और यहाँ पर आपको न्यू स्टाइल इफेक्ट में आना है। और लास्ट में जो हमारा गाइस है 7 नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इफेक्ट पे क्लिक करके थ्रीआउट पे क्लिक करके पेस्ट कॉपी करूँगा, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस आपको बाइक करना है और अपने सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है। दोस्तों सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद आपको लास्ट में मैं आपको बता दूँ जहाँ पर हमारा था 7 नंबर, आपको वहीं पर चले जाना है। तो कैसे हमारा 7 नंबर स्टार्ट होता है यहाँ से 24 से, ठीक है। तो इस पर क्लिक करूँगा, फोटो भी इफेक्ट पर क्लिक करके सर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो वैसे ये वाला हमारा इफेक्ट पूरा लास्ट तक लगेगा, तो मैं यहाँ पर और फोटो ऐड नहीं किया हूँ, तो आपको फोटो को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का हमारा स्टेटस कम्प्लीट हो चुका है गाइस, जो कि नए इफेक्ट के साथ यूज़ हुआ है, ठीक है। तो वैसे इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग के बगल में आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देना। दोस्तों ये मात्र आपका 2 से 3 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। दोस्तों तो आज का स्टेटस यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तो ले गाइस जय भारत।